बायलिटरल गायनेकोमेस्टे का मार्किंग कैसे करें और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे पाए। अभी टेक्निकल थोड़ी बात करते हैं हम। तो ये पेशेंट का जो मिडलाइन होता है, मिडलाइन हम मार्क कर रहे हैं। मिडलाइन में ऐसा होता है कि लाइपोसक्शन हमको कहां तक करना है वो देखना पड़ता है। अभी पेशेंट का गायनेकोमेस्टे के कारण जो पेक्टोरल फोल्ड होता है, मतलब यहाँ पे पेक्टोरल इज मेजर मसल आता है, तो पेक्टोरल फोल्ड को हमको सबसे पहले मार्क करना पड़ता है कि भाई ये जो पेक्टोरल फोल्ड है हम कहां तक उसको वो करें। अभी इसके बाद उसको ये यहाँ पे दूसरा एक लेटरल फोल्ड होता है, वो लेटरल फोल्ड को मार्क करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाहर जो होता है उसमें हम ज्यादा करेंगे तो वहां पे खड्डा जैसा दिखता है। अभी ये पेशेंट में आप देखोगे तो पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया इतना ही है, तो ये गायनेकोमेस्टिया का जो ग्लैंड है वो हम लोग मार्क करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये गायनेकोमेस्टिया का ग्लैंड जो है वो इतना होता है, तो ये ग्लैंड को किया और उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो ये लेवल पे गायनेकोमेस्टिया का ग्लैंड है, तो ये हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पे, ये जो लेवल ऑफ गायनेकोमेस्टिया है। अभी थोड़ा यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा फैट बढ़ेगा, वरना क्या होगा कि ये थोड़ा डाउन जाएगा, ये थोड़ा अप दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो वहां से और ये लेवल से हम लोग थोड़ा लाइपोसक्शन करके उसको शेप देते हैं और यहाँ पे जो है बॉडी स्कल्पटिंग करते हैं, बॉडी को एक अच्छा सा शेप देते हैं, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया निकालने से भी खाली खत्म नहीं होता, उसका शेप देना पड़ता है। तो ये हम करते हैं और उसमें भी हम लोग जीरो स्कार टेक्निक से यहाँ से एकदम छोटे से इंसिजन से हम लोग निकालेंगे। लोग यहाँ से लाइपोसक्शन करते हैं, लोग यहाँ से लाइपोसक्शन करते हैं, पर वो जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों एक छोटी सी प्रोसीजर है, 30 से 40 मिनट की प्रोसीजर है और जीरो स्कार टेक्निक से करते हैं। शायद ये टेक्निक जो है वो रिवोल्यूशनरी टेक्निक है और बिल्कुल भी स्कार नहीं दिखता है। तो हम लोग जो है इस तरीके से करेंगे और आपको बिल्कुल भी मालूम भी नहीं पड़ेगा और कल सुबह से ऑफिस और या फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हो कर सकते हो। तो कोई फॉलो अप, कोई डाउन टाइम, कोई ड्रेसिंग, कोई पट्टी करनी, कोई टांके तोड़ने, कुछ नहीं होता है। नो पेन और कुछ नहीं और बात खत्म। तो ये बॉदर कर रहा है तो सर्जरी कराओ, नहीं करता है तो छोड़ दो। कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो टीम का कॉन्टेक्ट कीजिए। इस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं और हम चाहते हैं कि हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि आपका बॉडी हमें दे रहे हो, कोई मजाक नहीं है। तो हम जो भी करें आपको पहले कंफर्ट देके आपका सोच के हर चीज करते हैं। एंड मैक्सिमम मिडिल एंड लोअर क्लास से पेशेंट झारखंड से आए हुआ है तो आते हैं और हम ट्राई करते हैं कि उनको हम हो सके उतना कंफर्ट दे, बिकॉज वो उनका स्टेट छोड़ के, इतना सारा छोड़ के हमारे पास आते हैं, हमारे भरोसे पे आते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कभी भी कोई आदमी हमारे से निराश होकर जाए। कुछ भी कंफ्यूजन है दोस्तों हमारी टीम का कॉन्टेक्ट करो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और किसी को भी ये तकलीफ है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन डालिए या कमेंट में कुछ भी आपको तकलीफ है तो डालिए, हम ट्राई करेंगे कि हम आपकी जितनी भी क्वेरीज है उतनी हम सॉल्व करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।